ओम श्री साईनाथाय नमः। उम्मीद करती हूँ कि ढेरों सारी खुशियाँ आपके मन में, बहुत सारा इंतज़ार कि दीपावली को बाबा को घर पर कैसे बुलाया जाए, क्या किया जाए कि बाबा भागे भागे शिरडी से हमारे घर चले आए। सही कह रहे हैं ना हम? ये तो सबके मन में चल रहा है। और हम सबके मन में एक चीज़ और चल रही है कि हर बार हम लोग दिवाली पे पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी को अपने घर पे बुलाते हैं और यही सोचते हैं हम सब कि हे बाबा, हमारे घर में हर एक जितने भी हम सदस्य हैं सबके अंदर ऐसी पॉजिटिविटी आ जाए कि हम सब एक होकर चलें, एक होकर रहें। क्योंकि जब परिवार में खुशियां होती हैं तो धन संपत्ति तो खुद ब खुद आ जाती है, बुलाना नहीं पड़ता। जब हम परिवार में एकता होती है, हम परिवार वाले एक दूसरे के लिए प्यार रखते हैं ना अपने दिल में, तो धन संपत्ति तो अपने आप भागी चली आती है। कहते हैं जहाँ सुमति होती है वहाँ पे संपत्ति होती है। तो ये सबसे पहले, सबसे आप जानना चाहते हो ना कि दीपावली को क्या पूजा में क्या करें ऐसा कि भगवान हम पर बस बरसात कर दे, है ना? तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो हर एक ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ पे झगड़े ना होते हों, जहाँ पे कोई किसी से लड़ता नहीं हो। क्योंकि जब प्यार है, परिवार है, तो लड़ाई तो निशानी है प्यार की। जहाँ झगड़े नहीं होते वहाँ प्यार भी नहीं होता। झगड़े होने भी ज़रूरी है, लेकिन झगड़े वैसे नहीं होने चाहिए जो रिश्ते को ही ख़त्म कर दे। अपने परिवार में अगर कभी कोई गलती भी कर देता है ना, तो उसको माफ़ करना सीखिए। चाहे आप छोटे हैं उससे या बड़े हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप समझते हैं, ना समझें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर समझ सकते हो तो प्लीज़ रिश्तों को समझिए। आपने अगर अपने परिवार में कलेश, ये झगड़े झंझट दूर कर दिया तो लक्ष्मी माता भागी भागी आएंगी। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपने अंदर सबूरी लानी है। सबूरी कैसे? किसी ने कुछ कह दिया, चल भाई तू ही जीत ले, तुम ही जीतो, तुम्हारा दिल खुश हो गया ना हम पे चिल्ला के, चिल्ला लो, हम तो वही बाबा के भक्त हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कहना और मानना बहुत बड़ी बात है। हम तो बड़े सरल तरीके से आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको कैसे इसको अपने ऊपर निभाना है वो आपको समझना है। आज का थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाओगे मेरी बातों को। अपने घर पे कभी झगड़ा नहीं करना, दूसरों के लिए कभी अपने रिश्तों को नहीं दोष देना। और एक बात, लाख सामने वाला सोने की थाली में खाता है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है ना, तो अपनी चीज़ को हमेशा कहना कि मैं तो बेस्ट हूँ, मेरी चीज़ बहुत अच्छी है। कभी अपनी चीज़ को गलत नहीं ठहराना, अपनी चीज़ में कभी कमियां नहीं निकालना, फिर वो रिश्ता हो, इंसान हो या घर के कुछ भी सामान हो। आपको जितना दिया है मालिक ने, उस पे कहो कि मेरे को मेरे बाबा ने बहुत कुछ दिया है। वो सोने की थाली में खा रहा है, उसकी है, मेरी नहीं है। वो उसको वो यूज़ करेगा। जब मालिक मुझे देगा तो मैं भी बैठ के ऐश से खाऊंगा। उसने वो कर्म किए हैं, उसकी वो किस्मत है, और मैं भी अपनी किस्मत अपने कर्मों से बदल दूंगा। जिस दिन ये विश्वास कर लोगे ना, अरे भगवान तो आपको मिनट नहीं लगाएंगे देने में, क्योंकि वो भी जानते हैं। इसको तो खुद पर भरोसा है। खुद पर भरोसा मतलब अपने भगवान पर भरोसा, क्योंकि भगवान तो मेरा मेरे अंदर है, मैं बाहर क्यों ढूंढूं? मैं गली गली में मंदिर मंदिर जाकर ढूंढता हूँ भगवान का, और भगवान मेरे अंदर बैठा है। इसलिए कर्म करने हैं। ये समझ में आया आपको? आगे क्या करना है? पूजा करनी है। दीपावली पे पूजा हर इंसान करता, तो आपको भी करनी है। आप जैसे जैसे आपके घर पे होता है पूजा, आपको कोई बदलाव नहीं लाना है। जैसे आपके कहते हैं ना, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज करते चले आए, उस चीज़ को हमें, रीति रिवाज को चेंज नहीं करना होता, हमें वही चीज़ अपनानी है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि इस चीज़ को बदलो। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप हर बार दीपावली की पूजा करते हो आपको बिल्कुल वैसे करनी है। बदलना क्या है? अपने अंदर को बदलना है। बाहर सब वैसे ही रखना है, बाहर की कोई दिक्कत नहीं, बाहर की चिंता मत करो, अंदर को बदलो। जो पहले जिस भाव से करते थे, इस बार और थोड़ा भाव अंदर ज़्यादा कर लेना।
बाहर मत बढ़ाना, अंदर का बढ़ाना। उसको बढ़ा करके आपको और अच्छे से भगवान से कहना है कि हे देवा, जो पिछली बार गलती हुई इस बार वो नहीं होनी चाहिए, मैं अच्छे से कर पाऊँ इतनी मुझे क्षमता देना, इतना मुझे मेरे अंदर इतना प्यार भर दो कि मैं जहाँ देखूँ वहाँ प्यार ही प्यार, जहाँ देखूँ जिसको देखूँ वो मुझे ऐसी नज़रों से देखे कि वो भी मेरा ही हो जाए। ठीक है, ये चीज़ करनी है। दीपक, अगरबत्ती, बाकी जो जैसा आप करते हैं वो कीजिए। श्रद्धा रखिए, प्रेम रखिए, दया रखिए। कोई अगर दरवाजे पर आता है, नहीं है तो हाथ जोड़ते हैं, भैया हमारे पास नहीं है, अगर है तो जितना है उतना ले जाइए। वो नहीं लेता फिर उसकी टेंशन है, आपने नहीं दिया ये आपको नहीं लगेगा। उसको बोलूं कि मेरे पास इतना ही है देवा बाबा, इसको स्वीकार करो और आगे जब आओ तो इतना आशीर्वाद देकर जाओ कि मेरे पास खूब सारा हो और मैं आपको खूब सारा दूं। ठीक है, बस यही पूजा है दीपावली की। इतना कर लिया, मालिक आपसे खुश हो जाए, गारंटी ले लो हमसे। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, जैसी आपके घर में पूजा होती है बिल्कुल वैसी कीजिए। बाबा को स्नान कराइए, दूध दही गंगा जल वगैरह जिससे भी आप करवाते हैं वो करवाइए। ठीक है, पंचामृत बनाते हैं ना तो उससे करवाइए, बाकी प्रसाद भोग लगाइए, दूसरों को बांटिए, खुद भी खाइए, सबको खुश रखिए, आप अपने आप खुश हो जाओगे। आपकी खुशी के लिए किसी से दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मालिक अपने आप देगा। बस इतना सा काम करना है, और अगर आपके दरवाजे पर कोई आता है तो उसको खिला कर भेजिएगा, अपने हाथों से बनाया हुआ ज़रूर कुछ खिलाइएगा। बाहर से तो दुनिया मंगवाती है लेकिन खुद से बना कर खिलाइए, बाबा आप सभी पर रहम करेंगे। और हाँ, अपने मुख्य द्वार पर हो सके तो अंदर भी लगा लीजिए, अपने मुख्य जो आपका मेन दरवाज़ा हो जहाँ से आप एंटर करते हैं घर पर, उस दरवाजे के ऊपर, ठीक है, आपको फूलों और आम के पत्तों की बनी हुई तोरण लगानी है। ये मैंने हर बार बताया, मैं कब से बताती चली आ रही हूँ, आज भी आपको ये बता रही हूँ। आपको अपने दरवाजे के ऊपर मेन द्वार पे, अगर अंदर लगा सकते, अंदर लगानी है तो अंदर लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके ऊपर आपको फूलों की वो होते हैं ना फूल, उसके गेंदे के फूल कहते हैं ना उसको, उसकी और आम के पत्तों की तोरण मैं आपको दिखा दूंगी, वो आपको अपने दरवाजे पर लगानी है, भूलना नहीं है। सुबह सुबह काकड़ आरती जब हम करते हैं ना, सुबह 4 बजे से 6 बजे के अंदर अंदर आपको वो लगा देनी है, और उसको लगाते वक्त बाबा को टच करवा के फिर लगाना। आपके घर में जो भी स्वरूप हो बाबा का, टच करा के बाबा को बोल के कि देवा आपके स्वागत के लिए लगा रहे, आना आपका काम है। ठीक है, क्योंकि बाबा जब देखेंगे अरे ये तोरण लगी है मेरे भक्त का घर है, तो बाबा चले आएंगे ना, हम तो ऐसे तसल्ली दे सकते हैं। बाकी बाबा, हमें पूरा विश्वास है कि जब हम अपने बाबा को बुलाते हैं तो वो ज़रूर आएंगे, तोरण देखेंगे तो भागते चले जाएंगे अंदर। ठीक है, तो तोरण लगा दीजिएगा, किसी को खिला दीजिएगा, कोई आपके घर से भूखा नहीं जाए। हाँ, अगर कोई जैसे कि कई बार होता है ना, हम किसी को देना चाहते हैं पर वो उसको वो चीज़ नहीं चाहिए होती है, फिर अपना दिल छोटा नहीं करना। अगर वो आपसे पैसे मांगता है, आप उसको खाना खिला रहे हो, नहीं खा रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर उसको जाने दो। मन में उस वक्त पाप नहीं लाना कि अरे यार वो तो भूखा चला गया, उसने पैसे नहीं लिए, वो खुद छोड़ कर गया है। ठीक है, ऐसा कई बार होता है कि हम जिसको खिलाना चाहते हैं ना वो नहीं खाता, वो तो कहता हमें पैसे ही चाहिए, फिर नहीं करना, खाना है आप खाइए, क्योंकि जिसको भूख होगी वो आपके दरवाजे पर ज़रूर खाएगा। ठीक है, तब मन नहीं छोटा करना, तो ज़रूर खाएंगे, बाबा भी आएंगे आपके घर पे, विश्वास रखिएगा, चाहे किसी भी रूप में आए वो तो बाबा जानते हैं, हम भी तैयारी करके रखेंगे। और बाकी जो भी कुछ हो आपको, जो मैं भूल गई हूँ आपको बताना, वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, हो सकता है मैं कमेंट या फिर मैसेज नहीं देख पाऊँ तो आप मुझे कॉल कीजिए बेझिझक। ठीक है, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहली बात कि अपने घर में आपको झगड़ा नहीं करना। आपके घर में एकता होगी तो लक्ष्मी माता आ जाएंगी, भागी भागी आएंगी लक्ष्मी माता। ठीक है, क्योंकि पूजा हर इंसान करेगा, कल हर इंसान उतनी जैसे वो पूजा करता है, हर इंसान लक्ष्मी माता को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान वहीं जाते हैं जहाँ उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे हर चीज़ सही है। ठीक है, तो हमें कल हमारा टेस्ट है, एग्ज़ाम है, हमें उसमें पास होना है कैसे, और कल ही नहीं पूरी ज़िंदगी के लिए पास होना है, ताकि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो नेगेटिविटी है हमारी, वो बाबा बिल्कुल ख़त्म कर दें। दीपावली दीपों का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी हम बाबा को मानने वाले, हमारे जितने भी साईं परिवार है, कम से कम ये तो अपने अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म कर सके।
हम करेंगे तो हम 10 को और सिखाएंगे कि नहीं यार ऐसा नहीं होता है। जब हम ही नहीं करेंगे तो हम किसी को सिखाने के लायक ही नहीं है। इसलिए हमें अच्छा बनना है दूसरों को अच्छा बनाने के लिए। मेरी बातें अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, माफ़ी चाहती हूँ। अगर कुछ भूल गई हूँ तो भी माफ़ी चाहती हूँ। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ भूल गई हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा सबके घर आए। जय साईं राम।